नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इनफैक्ट इसका आइडिया मुझे आप लोगों ने ही दिया है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया, स्पेशली जिस तरह से हमारा पिछला साल 2020 गुजरा है और जिस तरह से बिजनेसेस सफ़र हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है आज वास्तु का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जो है अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह से जो है हम और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स आएंगे तो ही प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट? तो सबसे पहला डायरेक्शन जो हम क्लाइंट्स के लिए खास करके देखते हैं वास्तु में, वो है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ जो है वो क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ जो है वो वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व है। तो यदि जल तत्व में, यदि वाटर एलिमेंट में अगर फायर आ जाएगा जो कि वाटर का एनिमी है, या अर्थ आ जाएगा, अर्थ एलिमेंट आ जाएगा वो भी वाटर का एनिमी है, तो क्या होगा? क्लाइंट आने बंद हो जाएंगे, कस्टमर्स हमारे यहाँ नहीं आएंगे। कस्टमर्स नहीं आएंगे तो प्रॉफिट्स कैसे होंगे? अब जब मैंने कहा फायर एलिमेंट, तो फायर एलिमेंट में अगर कोई रेड कलर की चीज़ भी है, या फायर एलिमेंट में जो भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए इन्वर्टर आपका नॉर्थ में आ जाए, या आपका इलेक्ट्रिसिटी का पैनल या बोर्ड जो है वो नॉर्थ में आ जाए, या और भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो कि थोड़ी बड़ी हो और इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा हो उसका, वो अगर नॉर्थ में आ जाती है, या लाल रंग का कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो दैट मीन्स आपके वाटर जोन में फायर आ गई, तो एनिमी एलिमेंट हो गया। तो एज अ रिजल्ट क्लाइंट्स जो हैं उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अब मैंने कहा था अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट में जैसे कि स्टोरेज हो गया, आपका स्टोर रूम या कोई भारी चीज़, अर्थ जो होता है वो भारी होता है, वो भारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई बहुत ही ज़्यादा भारी चीज़ अगर आपने नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी रखी हुई है, तो आपने जल में आप अर्थ ले आए हो, वाटर में आप जो है अर्थ ले आए हो, तो वो भी जो है अर्थ एलिमेंट क्या करता है? ब्लॉक करता है। तो वो कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को आने को ब्लॉक करेगा। मेरी क्लाइंट है जिनकी बहुत अच्छी बेकरी है और बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, बड़ा अच्छा खाना है, बड़ी मेहनत करती हैं वो, पर क्लाइंट्स जो है वो फीडबैक देते हैं कुछ मिसिंग है, वो मज़ा नहीं आता। तो मैंने जाके देखा तो उनके जो उनका स्टोर है तो उसमें देखा, तो वहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया हुआ था, उन्होंने नॉर्थ में एक स्टोर रूम बनाया हुआ था। अब स्टोरेज की जगह कौन सी है, डायरेक्शन कौन सी है, जो मैंने उनके यहाँ किया भी कि वो जो स्टोर रूम है उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। सिंपल रेमेडी। देखिए, वास्तु हमेशा यही नहीं है कि तोड़फोड़ किया जाए या कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज बताई जाएं या ऐसी रेमेडीज बताई जाएं जो कि बहुत इम्प्रैक्टिकल है या इलॉजिकल है या जिनमें बहुत खर्चा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑल्दो ये केस टू केस डिपेंड करता है, पर हम मेरी कोशिश यही रहती है कि आसान रेमेडीज से और आसानी से जो है हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो सिंपली उनका जो स्टोर रूम था वो हमने नॉर्थ से शिफ्ट करके साउथ वेस्ट में कर दिया। साउथ वेस्ट भारी हो गया, उससे स्टेबिलिटी भी आई उनके काम में, प्लस नॉर्थ हल्का होने से क्लाइंट्स आने शुरू हो गए। तो ये चीज़ आप लोग भी अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पर देखिए। दूसरा डायरेक्शन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है वो फ्लो ऑफ मनी का डायरेक्शन है। मोस्टली जो बिजनेसेस हैं वो क्रेडिट्स पे, उधारी पे या लोन्स पे चलते हैं। साउथ ईस्ट जो है रिकवरी ऑफ मनी, जैसे मैंने कहा कि पैसा वापसी मेरा आएगा कि नहीं आएगा, टाइमली आएगा, उसके लिए जो है हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखते हैं। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ये कहते हैं कि जी पैसा दे दिया, टूट टूट के आ रहा है, टाइमली नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए अपना साउथ ईस्ट डायरेक्शन चेक करें। बहुत से मेरे क्लाइंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी डील जो है सब कुछ हो जाता है, डील फाइनल होते होते जो है वो अटक जाती है या वो रुक जाती है, तो उसके लिए कौन सा जोन है? उसके लिए भी साउथ ईस्ट जोन है। जैसे मैंने कहा साउथ ईस्ट जोन फायर जोन है, वहाँ पर अगर वाटर एलिमेंट आएगा तो आपकी डीलिंग्स में दिक्कत होगी। अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो फायर एलिमेंट है। अब फायर और वाटर जैसे मैंने कहा एनिमीज हैं, तो वहाँ नॉर्थ में जो वाटर है अगर आप फायर ले जाएंगे तो क्लाइंट नहीं आएगा, यहाँ साउथ ईस्ट जो फायर है अगर यहाँ पे आप वाटर ले आएंगे तो पैसा नहीं आएगा।
तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चेक करें कि कोई वाटर एलिमेंट तो नहीं है, या वाटर को रिप्रेजेंट करने वाले कलर्स जैसे कि ब्लू कलर या ब्लैक कलर या ग्रे कलर की कोई चीज़ तो यहाँ पे नहीं। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको नॉर्थ में शिफ्ट कर दें, तो क्या होगा, आपका साउथ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा, पैसे का फ्लो भी हो जाएगा, नॉर्थ भी बैलेंस हो जाएगा, क्लाइंट्स भी आने शुरू हो जाएंगे, राइट, सिंपल। उसके बाद बहुत से क्लाइंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे यहाँ जो क्लाइंट आते हैं वो बारगेनिंग बहुत करते हैं, एज अ रिजल्ट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, प्राइस जो है वो टूट जाता है, जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें से भी हमें डिस्काउंट्स उनको देने पड़ते हैं। अब बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ दैट बिजनेस। तो वेस्ट जोन जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी का जोन है, तो ये देखिए आपके वेस्ट जोन में कोई रेड कलर की चीज तो नहीं रखी हुई, अगर रखी है तो उसको हटाइए, क्योंकि वो जो है कारण है आपके प्रॉफिट्स नहीं आने का। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। बहुत से ऐसे काम होते हैं जैसे कि कोई मार्केटिंग की कंपनी है या ऐसी कंपनी है जहाँ पे कि आपको जो है अपने क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देनी है, उनको उसके बारे में बताना है, जानकारी देनी है, तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका स्टाफ या अगर आप अपने क्लाइंट को सही से अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे तो वो आपसे आपका प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो एक्टिविटी है ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में करें। मतलब जो जानकारी देना है, जो नॉलेज देना है, या आपका काम ऐसा है जिसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, तो जो ट्रेनिंग देनी है या ट्रेनिंग लेनी है या क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो ये सब चीज़ें जो है आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में करें। तो इससे क्या होगा, नॉलेज सही जाएगी, आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर जाएगी और क्लाइंट भी इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में लेंगे। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो है वो जोन है मेंटल क्लैरिटी का। देखिए जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको नए नए आइडियाज की जरूरत होती है, नए नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने की जरूरत होती है। कोई बिजनेस मॉडल जो आज से 20 साल पहले था, हम आज के टाइम पे उसको नहीं लगा सकते, लगाएंगे भी तो हमें प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है नए आइडियाज़ को इवॉल्व करें और नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड क्लियर हो। मेंटल क्लैरिटी आती है नॉर्थ ईस्ट जोन से। नॉर्थ ईस्ट भी जो है वाटर एलिमेंट है, यहाँ पे भी अगर आप स्टोर रूम बना लेंगे या फायर एलिमेंट ले आएंगे तो क्या होगा, क्लैरिटी नहीं आएगी। क्लैरिटी नहीं आएगी तो आइडियाज़ नहीं आएंगे या आप कन्फ्यूज रहेंगे। उसके लिए एक सिंपल और छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूंगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक स्वास्तिक लगाएं, दिस विल हेल्प इन मेंटल क्लैरिटी। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट ये जो जोन है ये अट्रैक्शन का जोन है, तो वर्क प्लेस पे जो है आप अपना डिस्प्ले जो है वो वहां पे बनाइए, अपने जो आपके जो ऑफिस का या जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैनर है या डिस्प्ले बोर्ड है या विजिटिंग कार्ड्स हैं आपके वो वहाँ रखिए। जैसा मैंने कहा ये जोन ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या होगा, क्लाइंट जो है आपके काम की तरफ, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे। सिंपल सॉल्यूशंस टू बिग प्रॉब्लम्स और उससे हमें डिजायरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज जो मैंने आपको के साथ डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, आप देखिए अपने वर्क एरिया में कहाँ पे क्या चीज़ कमी हो रही है, कहाँ पे क्या चीज़ आपने गलत रखी है, और सिंपल सॉल्यूशंस करके कैसे आप जो है अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सो विशिंग ऑल ऑफ यू लॉट ऑफ सक्सेस इन योर वर्क स्पेस। थैंक यू।